दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं अंत्योदय कार्ड धारकों को लेकर एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में, जिस खबर को सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों को जरूर देखना चाहिए। अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगी चीनी, क्या सहूलियत है? लगभग 1.25 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी मिलेगी। 24 फरवरी से कोटे की दुकानों से वितरण करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। चीनी वितरण पर किस तरीके से सरकार कड़ी नज़र रख रही है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। क्या आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं, इस चीज़ को भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पूर्ति विभाग ने कोटेदारों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन के प्रति उपभोक्ता चीनी प्रति किलोग्राम 24 फरवरी से वितरित कर रिपोर्ट देने को कहा है। चीनी वितरण में अनियमितता या शुल्क लिए जाने की शिकायत मिलने पर अनुबंध पत्र निरस्त कर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों अब हम लोग इस न्यूज़ को बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों की होली पर मिठास बढ़ने के लिए 3 किलोग्राम मुफ्त चीनी दी जाएगी। शासन के निर्णय के बाद पूर्ति विभाग को पत्र जारी कर चीनी आवंटित कर दी गई है। कोटे की दुकानों पर होली से पहले यानी 24 फरवरी से वितरण शुरू हो जाएगा। पूर्ति विभाग के मुताबिक की दुकानों से चीनी की उठान शुरू हो चुकी है। अंत्योदय उपभोक्ताओं को 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड धारक वितरित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। यह चीनी 1 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की एक मुश्त दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निर्धारित दर पर नियमित राशन देने के साथ ही कोविड काल में अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह में एक बार गेहूं चावल के साथ एक किलोग्राम चना, नमक और खाद्य तेल, दूसरी बार सिर्फ गेहूं व चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस योजना में जिले के लगभग 1,26,392 अंत्योदय कार्ड धारकों और 6,67,359 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक लाभान्वित हो चुके हैं। शासन ने अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी देने की योजना बनाई है। दोस्तों ये सूचना में गोरखपुर जिले से निकल के आई है, बाकी ये सारा शासनादेश जो है, जो सारा आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। होली से पहले उपभोक्ताओं को चीनी मिल सके, इसके लिए कोटेदारों को गोदाम से उठान करने के साथ ही पारदर्शी वितरण के लिए पर्यवेक्षक भी नामित किए गए हैं। यानी अब आपसे बिन चीनी का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपको होली को मिठास बनाने के लिए आपको 3 किलो चीनी जनवरी, फरवरी, मार्च का आपको एक मुश्त दिया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को एक बहुत बड़ी खबर जानने को मिली है, जैसे कि आपको मुफ्त में चीनी दिया जा रहा है। कभी भी आपके कोटेदार से अगर मांग की जाती है तो आप सरकार के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।